दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे लॉयल जानवरों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले नाम कुत्तों का आता है। और ये बिल्कुल सच भी है। इनकी यही फितरत होती है कि ये जान पर खेलकर अपने लॉयल्टी का परिचय देते हैं। वही खतरा महसूस होने पर किसी की भी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जान दे भी सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में कई ऐसे खूंखार टाइप्स के डॉग है जिन्हें पालने पर गवर्नमेंट ने बैन तक लगा दिया है। तो चलिए, दिल को थाम लीजिए, आज आप देखेंगे धरती पर मौजूद 12 सबसे अद्भुत डॉग जिनको देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। और सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेपोलियन मैस्टिफ। दोस्तों, सबसे पहले आप इस कुत्ते को देखिए, आपको इसे देखकर ही डर लग जाएगा। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता। इटली में पाए जाने वाला ये कुत्ता बेहद ही गुस्सेला माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। ये कदकाठी में भी अच्छा खासा होता है और ताकत के मामले में किसी भी कुत्ते से ज्यादा दमदार होता है। दोस्तों, अगर आप इन कुत्तों की बात करते हैं तो ये बेहद ही अग्रेसिव होते हैं और कई बार अचानक ही हमला भी कर देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने हमला कर दिया तो बिना जान लिए ये पीछे नहीं हटते हैं। इसके साथ ये भागते भी बहुत तेज है। एक बार 2004 में इटली में ही इस कुत्ते के हमले से एक घर का इंसान मारा गया था। इसके बाद से ही नेपोलियन मैस्टिफ को पालने पर तमाम शहरों के सवाल उठाए जा रहे थे और एंड में ये फैसला लिया गया कि ये कुत्ते को पालना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है और यूरोप के कई देशों में इसे पालने पर पूरी तरह से बैन किया गया है। नंबर 2, बोरबेल। दोस्तों, यह साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक माने जाने वाला कुत्ता। इसका नाम है बोरबेल। इस नाम का मतलब है किसानों का कुत्ता, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका में इस कुत्ते का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और गुस्से में आ गया तो किसी की जान भी निकाल सकता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे पर साउथ अफ्रीका के लोगों में ये कुत्ते के नाम से ही दहशत है। कहा जाता है कि ये कुत्ते अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं और साथ ही इन कुत्तों की व्हाइट फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। कहा जाता है ये सबसे तेज कुत्तों की लिस्ट में आता है और कई बार इन कुत्तों का इस्तेमाल कई खुफिया कामों के लिए किया जाता है। पर दोस्तों, अब इसे ओपनली कोई नहीं पालता। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। आखिर कौन रिस्क लेना चाहेगा इतना बड़ा जिनको पालने के लिए, जो कि गुस्से में अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं। इसका अटैक करने का तरीका बहुत ही अलग है। ये सीधे नेक पर हमला करते हैं और ऐसे कुत्तों से हमें बच के ही रहना चाहिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल फौज में भी खूब किया जा रहा है। नंबर 3, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम ही अर्जेंटिनो, इसको सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये साउथ अमेरिकन देश अर्जेंटीना में पाया जाने वाला कुत्ता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रीड आपको इसी देश में देखने को मिलती है। आपको इनको देखकर पोलार बियर की याद आ जाएगी। दोस्तों, ये इतने ताकतवर होते हैं कि इन्हें देखकर किसी की भी जान निकल जाएगी और ये कुत्ते हद से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अर्जेंटीना देश में इन्हें सफेद शेर भी कहा जाता है और दोस्तों, इतने वजनदार होते हैं कि एक ही झटके में अपने शिकार की जान निकाल देते हैं। अर्जेंटीना में इस कुत्ते का इस्तेमाल मेनली शिकार के लिए किया जाता है। इस देश में कुत्ते की फाइट पर लोग काफी पैसा भी लगाते हैं और ये कुत्ता सबका फेवरेट होता है। अगर आपने कभी इसको शिकार करते हुए देख लिया तो आपको शेर याद आ जाएगा। ये कुत्ते जितने ताकतवर होते हैं उतने स्मार्ट भी होते हैं। तभी तो इनको सैनिकों के साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनको ट्रेन किया जाता है कि ये हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई देशों में इन पर बैन भी लग चुका है, जिसमें से अमेरिका भी एक देश है। और दोस्तों, आपको ये बता दे कि ये अपने मालिक के लिए बेहद ही लॉयल होते हैं और किसी भी हालत में उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 4, फिला ब्रासिलिएरो। सबसे पहले आपको बता दूं, इन्हें ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और सबसे खतरनाक चीज इन कुत्तों के बारे में ये है कि लंबी लंबी छलांग लगाने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर इन्होंने किसी भी शिकार को टारगेट कर लिया तो आप समझ लीजिए उसका बचना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं, ये अग्रेसिव तो होते ही है पर ये बातों को भूलते भी नहीं है। अगर किसी ने इनके सामने कुछ दिन पहले कुछ भी गलत किया हो तो उस इंसान को या चीज को छोड़ते नहीं है।
एक समय तक साउथ अमेरिका के देशों में इस कुत्ते को गिने चुने लोग पालते थे, लेकिन दोस्तों अब पूरी तरह से इन पर बैन लग चुका है। कोई इन्हें घर में पाल नहीं सकता, इनको देखकर किसी को भी डर लग जाए। नंबर 5, पेरोडी प्रेसा मेलरक्यून्स। दोस्तों इन कुत्तों को कारडेबो भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुत्ते बड़े ही फुर्तीले होते हैं। आपको शायद अंदाजा ना हो, पर ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि जब इनकी बारी आती है तभी किसी पर भी हमला कर देते हैं। इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये बहुत ही अटैकिंग टाइप के कुत्ते होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। इन कुत्तों की हाइट बहुत ही कम होती है, पर इनमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी जीव की जान निकालने के लिए काफी है। ये 2009 में एक इंसानों को अपना शिकार बना चुके हैं। कहा जाता है कि एक पागल आदमी को इन्होंने जान से मार दिया था। उसके बाद से इनको लेकर तरह तरह की बातें भी हुई और इनमें इन्हें कई शहरों में, काफी देशों में पालने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नंबर 6, ब्लड टैन। दोस्तों इनके कान बड़े होते हैं और लटके हुए होते हैं। ये बड़े से दिखते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और सर्वश्रेष्ठ पुलिस डॉग में से ये एक है। ये कुत्ते अनुशासन पसंद करते हैं और ये शिकारी कुत्ते होते हैं। ये हरिणों तक का शिकार कर लेते हैं। इन कुत्तों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं और किसी को भी छोड़ते नहीं है। ये अपने बड़े बड़े कानों की वजह से बहुत शार्प होते हैं और बहुत अच्छे से सुनते भी है, और कहा जाता है कि ये अपना शिकार छोड़ते नहीं है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इसके बाद वे बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में मदद आते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, इसलिए पुलिस में होते हैं। आप इन्हें घर में पाल नहीं सकते, अगर पाल लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत घर में आ जाएगी, समझ लीजिएगा। नंबर 7, शरपाए। दोस्तों ये कुत्ते पाए जाते हैं चाइना में। इन्हें बेस्ट फाइटिंग डॉग भी कहा जाता है। एक समय था जब इन्हें पालना अलाउड नहीं था, इसके गुस्से को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। ये बहुत खतरनाक होते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। इनको काबू में करना बिल्कुल आसान नहीं है। चीन के जंगली पहाड़ों में इनका बहुत आतंक है, लोग इनके सामने जाने से डरते हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि ये चीन की आर्मी के लिए भी काम करते हैं। ये बहुत ही फास्ट और दिमाग के तेज होते हैं, इसलिए इन्हें चीन की आर्मी इस्तेमाल करती है। नंबर 8, रॉटविलर डॉग। ये कुत्ता अपनी खूंखार प्रवृत्ति और आक्रामक रवैये के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही साहसी और बहादुर होते हैं और ये योद्धा प्रकृति के होते हैं। ये अपने आक्रमण से आसपास आक्रामक स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसमें सूंघने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। कहीं से भी शिकार की महक आ जाए, ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कहा जाता है इसको पालना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हद से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि इनकी बाइट फोर्स बहुत बढ़िया होती है। नंबर 9, जर्मन शेफर्ड। दोस्तों इस पर बैन तो नहीं लगा है, पर ये किसी से कम खौफनाक भी नहीं है। डॉग्स की दुनिया में इनको डॉग का बॉस माना जाता है। ये बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत फुर्तीले भी होते हैं। ये अगर आतंकवादियों पर निशाना साध ले तो उन्हें पकड़े बिना मानते ही नहीं, भले ही इनकी जान क्यों न चली जाए। अपने देश में भी बहुत जगह पर इसे पाला जाता है। नंबर 10, कारकेशियन ऑर्चर का। दोस्तों ये कुत्ता फ्रांस के कारकेशियन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवर ज्यादा हमला करते हैं, तो उनसे बचने के लिए इन कुत्तों को पाला जाता है। ये बिल्कुल फियरलेस होते हैं, इन्हें किसी से भी डर नहीं लगता है। ये अपने से बड़े जानवर से भी भिड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, इसलिए आजकल इनको आर्मी की ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब करीब ये 78 किलो के होते हैं। इनके कान बहुत तेज होते हैं। ये आसपास की एक्टिविटी को जल्द ही नोट कर लेते हैं। ये 10 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं और इनकी बाइट फोर्स की PSI की बात की जाए तो 550 से लेकर 700 तक होती है। इनको पालना आसान नहीं होता है, इनकी डाइट भी अच्छी खासी होती है। नंबर 11, प्रेसो कैनेरिया। आपको बता दूं, इस कुत्ते से कोई भी जितनी दूरी बनाकर रखे उतना ही अच्छा होता है। ये दुनिया के सबसे खूंखार कुत्ते में से एक है। कहा जाता है कि इनका गुस्सा बहुत खराब होता है। ये गुस्से में अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं, तभी सभी लोग इनसे डर कर ही रहते हैं। नंबर 12, रोडेरियन रिजबैक।
दोस्तों, ये रूस के मैक्सिमम घर में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये एक वक्त 6 लोगों का मुकाबला कर सकता है। लोग इसे घर की रखवाली करने के लिए पालते हैं। ये बहुत स्पीड से भागता है। जब भी कुत्ते की रेस होती है तो इन्हीं कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इनका वजन करीबन 40 किलो तक होता है और इनकी बाइट फोर्स 240 PSI तक की होती है। ये थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन एक बार इनकी स्किल डेवलप हो गई तो इन्हें ये लाइफ टाइम तक के लिए भूलते नहीं है। इनके मसल भी बहुत ताकतवर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसे लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। और आपको इनमें से कौन सा कुत्ता सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।